हेलो प्यारे बच्चों। तो यार फाइनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी, या पर सीओ उत्तराखंड जिसे हम कहें, या पर हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से, बहुगुणा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है फाइनली मेरिट लिस्टें आना शुरू हो चुकी है। अब काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन चाह रहे हैं कि भैया मेरिट लिस्ट आ गई, अब हमें व्हाट नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है। एंड काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है मेरिट लिस्ट शो भी नहीं हो रही है, तो आपको कैसे मेरिट लिस्ट चेक करना है और जिन स्टूडेंट का नाम आ गया है उनको क्या करना है, तो कंप्लीट के अंदर देखेंगे, ठीक है, क्या सारा चीज है। और जिन भी स्टूडेंट के काफी लो मार्क्स है वो सीयूटी एडमिशन गाइडेंस प्लान के अंदर एनरोल हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है कंप्लीट सीयूटी एडमिशन कराया जाता है, कंप्लीट एडमिशन कराया जाता है आपका, तो आप उसके अंदर जरूर से एनरोल हो जाए। ठीक है गाइज, तो चलिए यार आगे देखते हैं क्या सारा सीन है हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। तो प्यारे बच्चों यार ये है वेबसाइट इसका, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे आते हैं आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिंक चलती रहती है रिगार्डिंग द एडमिशन एंड जस्ट लाइक जो भी है। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ बीटेक थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री वालों के लिए है ये, ठीक है। तो उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो सीयूईटी के जरिए आ चुकी है। बीएससी वालों की जो फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाती है। ओके, जैसे कि 8 अक्टूबर को रिलीज हुई है फर्स्ट लिस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, सो ये देख सकते हो इतने लोग सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब यार काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि भैया हम सेलेक्ट तो हो गए, अब हमें करना क्या है, हम कैसे एडमिशन को कंडक्ट करें, क्या करें क्या नहीं करें, और हम हमें फीस वगैरह कैसे पे करना है। तो आपको क्या कुछ नहीं करना, देखो एडमिशन पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन पे जाने के बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे जाओगे। ओके, यार जिन भी बच्चों के काफी लो मार्क्स है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जहाँ पे काफी सारी सीटें लेफ्ट पड़ी हुई है, अभी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। स्टेट ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में भी काफी लो मार्क्स पे लास्ट में एडमिशन हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो हैं एडमिशन के लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपका कंप्लीट एडमिशन करा दिया जाता है ओनली फॉर 1499 रुपये में। तो आप उसमें जो है जरूर से इनरोल कर सकते हो। सीयूटी एडमिशन 2022, दिस इज द इंडिया चिपेस्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो यार वेबसाइट बहुत ही ज्यादा धीरे चल रहा है, एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे जाएंगे। प्यारे बच्चों आपको देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ खुल जाता है, इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। hnbcoet.samrat.edu.in। ओके, तो आप लोग जैसे इस पे क्लिक करते हो आप लोगों को ये राइट, ठीक है, होम पेज पे जाना है। जैसे मैं होम पेज पे जाता हूँ मेरा ये देख सकते हो यार फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये बच्चा जो इसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे एक्शन लेने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे एक्शन पे आपको कुछ ऑप्शन देगा, जैसे विड्रॉ सीट का हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पे द फीस, राइट। तो आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको जो है SAP जो भी है सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी है, ठीक है, SAP आपको जो भी है। ओके, अपलोड द डॉक्यूमेंट एंड पेड द फीस। ओके, और जस्ट लाइक आपको प्रिंट कर लेनी है आपको फीस की रिसिप्ट, ठीक है, ध्यान रखिए प्रिंट कर ले फीस की रिसिप्ट। ओके, ये यूनिवर्सिटी का एक कंसर्न है कि अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो यूनिवर्सिटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपका पेमेंट फेल हुआ तो। ओके, इसका आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगर बाई चांस आपका अगर पेमेंट फेल होता है तो यूनिवर्सिटी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। आपसे 2 बार पे करो 3 बार पे करो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो बैंक सर्वर अच्छे से यूज करें, या फिर कोई अपना अच्छा बैंक अच्छा यूपीआई या फिर अच्छा डेबिट कार्ड क्रेडिट का यूज करें टू पे द पेमेंट स्पेशली फॉर दिस परचेजेज। ओके, सो इस प्रकार से जिन भी स्टूडेंट को ये सब इश्यू आता है नीचे हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, साथ में सीयूटी यूजी का व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस, ठीक है, थैंक यू।